नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे ओलंपियंस का सम्मान, बांटेंगे 42 करोड़ की राशि, इकाना स्टेडियम में करेंगे सम्मानित। डेरा प्रमुख राम रहीम की बढ़ेंगी मुश्किलें, रंजीत हत्या मामले में 26 अगस्त को कोर्ट सुना सकते हैं फैसला। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर पर महाराष्ट्र सरकार को झटका, एससी ने खारिज की याचिका। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का विवादित बयान, कहा तालिबानी क्यों कह रहे हैं, उन्हें अफगानी कहिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़े गए खास नस के 2247 कछुए, थाईलैंड भेजने की थी तैयारी। एफएए ने कहा अमेरिकी वाहक डीओडी को मंजूरी के साथ काबुल से लोगों को बाहर निकालने के लिए संचालित कर सकते हैं उड़ानें। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी लौट सकते हैं अफगानिस्तान, वापसी को लेकर तालिबान से बातचीत। तालिबान शासन का विरोध कर सकता है पंजशीर पंथ, ताजिकिस्तान की अफगानी राजदूत ने गनी को बताया देशद्रोही। यूएई से अशरफ गनी ने कहा काबुल में रहता तो कत्लेआम होता, पैसे लेकर भागने की भी दी सफाई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, जलालाबाद में 3 लोगों की हत्या। योगी सरकार ने पेश किया 7,301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट, युवाओं, किसानों और मानदेय कार्मिकों के लिए खोला खजाना। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल, आदेश किया जारी। भाजपा ने पश्चिम यूपी से संभाला किसानों का मोर्चा, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के असर पर है खास नजर। योगी सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ों को आरक्षण, परीक्षण पूरा होते ही इसी कार्यकाल में होगा लागू। यूपी के 30,000 ग्राम सभा वार्डो में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान, 19 से 21 अगस्त तक चलेगा ये अभियान। T20 धुरंधर को मिली इंग्लैंड टीम में जगह, इंग्लैंड की टीम के ओपनर डीम सिबली के साथ जैक क्राउले की हुई छुट्टी। भारतीय विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने कहा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को टक्कर दे सकता है वेस्टइंडीज। T20 विश्व कप 2021 के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, कई सुधरंदरों को मिली जगह। पाकिस्तान क्रिकेट को लगेगा बड़ा झटका, अफगानिस्तान में पैदा हुए मौजूदा हालात के बाद न्यूजीलैंड कर सकता है दौरा स्थगित। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में अंडर 20 विश्व एथलेट चैंपियनशिप में कांस्य जीता। सुपरहिट तमिल फिल्म ओथा सेरुप्पी के हिंदी रिमेक में अभिषेक बच्चन की हुई एंट्री। शाहरुख खान की अपकमिंग अनटाइटल फिल्म में सानिया मल्होत्रा आएंगी नजर, यह एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसमें शाहरुख निभाएंगे लीड रोल। कंगना रनौत ने शुरू किया टिकट शेरू का प्री प्रोडक्शन वर्क, नवंबर से शुरू होगी नवाजुद्दीन स्टारर फिल्म की शूटिंग। कपिल शर्मा शो से बाहर नहीं हुई है सुमोना चक्रवर्ती, चैनल द्वारा शेयर किए गए नए प्रोमो में नजर आई एक्ट्रेस का चेहरा। जूनियर एनटीआर ने खरीदी देश की पहली लैम्बोर्गिनी,
उर्स ग्रेफाइट कैप्सूल कार। ये नई प्रीमियम कार की कीमत 3.1। 5 मिनट में 25 खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।